नमस्कार दर्शकों, मैं राजन चोपड़ा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसी करनी वैसी बननी, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी खुद को कितना भी कट्टर ईमानदार वाली छवि बनाने की कोशिश करे, लेकिन जब जनता के सामने धीरे धीरे पोल खुल रही है, एक के बाद एक आम आदमी के बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल जा रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में। ताजा मामला मनीष सिसोदिया, जो शराब मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, जिन्हें शराब घोटाले के आरोपियों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और वो करीब एक हफ्ते से जेल में बंद हैं। अपनी राजनीति के लिए केजरीवाल, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी बच्चों को ढाल बनाती आई है। आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल का प्रचार प्रसार करने से नहीं चूकती, और अब जब सीबीआई का शिकंजा सिसोदिया पर कसा है तो भी आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति के लिए बच्चों को मोहरा बनाती नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्कूली बच्चों से जबरदस्ती मनीष सिसोदिया के समर्थन में वाली चिट्ठियां लिखाई जा रही हैं। एक चिट्ठी में मैंने पढ़ा, एक बच्चे ने कहा कि सीबीआई अंकल, आप मनीष सिसोदिया जी को मत छोड़िए, मेरे पिताजी रोज शराब पी के मेरी मम्मी को मारते थे। तो दर्शकों, दरअसल मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया के नाम से एक अभियान चला रही है, जिसमें बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR ने एक नोटिस भी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को भेजा है, जिसमें आम आदमी नेता आतिशी समेत अन्य के खिलाफ जाँच और कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिसमें बच्चों के हाथों में कार्ड्स हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए स्कूली बच्चों को मरा बना रही है और दावा कर रही है कि सिसोदिया के जेल जाने से बच्चे काफ़ी निराश हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पोल खोलते हुए दिल्ली के बच्चों के हाथों में लिखे हुए लेटर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो सिसोदिया को जेल से ना छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा एक लेटर में एक बच्चा लिखता है, मनीष अंकल आप चोर हो, पुलिस ने अच्छा ही किया आपको जेल में डाला। यानी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जितना भी ड्रामा नौटंकी क्यों ना करे, पर दिल्ली का बच्चा उसकी सच्चाई जान गया है। यूं तो राजनीति में आने के बाद आपका चेहरा कई बार बेनकाब हुआ है, हालांकि अब मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर बच्चों का इस्तेमाल आप जिस तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है वो उसी पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि बच्चों ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी। बता दें कि शराब घोटाले मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं। 4 मार्च को उनकी रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ाई गई। अब 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि इस बार सिसोदिया अपनी होली जेल में ही बनाने वाले हैं। दोस्तों, मनीष सिसोदिया जी ने घर घर के बाहर एक शराब का ठेका खोल दिया था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, तो कैसे शराबियों का मन नहीं डोलेगा। इसी के ऊपर मेरे को एक शेर याद आता है, पीने से कर चुका था मैं तो वाह दोस्तों, सिसोदिया का ऑफर देखा तो नियत बदल गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जल्द आपसे दोबारा मिलता हूं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।